الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده 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 لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے حضرات مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اے جان میری نہیں جان میری بھئی توجہ ہے تھوڑی اے جان میری نہیں جان میری تے میری جان دی جان حضور توحید دا جو مضمون اصل اس دا عنوان حضور رب سنیا ہے پر ویکھیا نہیں رب دی پہچان حضور چنگے عمل ایمان دے جز راہی پر اصل ایمان حضور
जैंदा लकब फरूक़े आज़म है। हर बज़म दे विच ज़ीशान जै दीन तो घर कुर्बान किते उस मर्द दा नाम उस्मान। असहाय हुबदार शरीफां दे सिद्दीक दा बहु एहसान जेड़ा नाम अली तू सड़दा है साड़ी समझ दे विच शैतान। अल्लाह जल्ला जलालहु दी हमद सना उस दे प्यारे महबूब आकाद आलम नूर मुजस्म शफी उमम आका मौला हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा मुख्तार कुल ख़तम रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि वबारक वसलम दी ज़ाते बाबरकात दे उत्ते दुरूद व सलाम दा नजराना अर्ज करने तो बाद दुआए खलाक दो आलम रब्बुल आलमीन जल्ला मजदूल करीम साडा सारयां दा मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितने दोस्त कुरबो जवार तो आए सारयां दा आना जाना मिल बैठना कबूल फरमा के अल्लाह रब्बुल आलमीन कदम कदम दे उत्ते करोड़ा नेकियां अता फरमाए। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है जेड़ा बंदा घरों इस इरादे नाल निकलता है तवज्जो है भाई तुहाडी अज मजमा काफ़ी बदलिया बदलिया लग रहा है। पहले बड़ा जोक शौक हुंदा है इस बारी पता नहीं की मसला है बिल्कुल सुस्त नजर आ रहे हो। थोड़ा जहा मुस्तफा दी महफिल च बह के मुस्तफा दी गुलामी दे जज्बात दा इजहार करो। एक बारी बुलंद आवाज नाल सुभान अल्लाह आख सकते हो इस जज्बे दे नाल ऐ मुस्तफा दा फरमान सुनना है। करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा घरों इस इरादे नाल निकलता है कि मैं जावांगा ऐसे मकाम ते जिथे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो वसलाम दे फरामीन अल्लाह ताला दा कुरान दीने मुस्तफा दा बयान हो रहा होवे मैं जाके कुछ ना कुछ सबक लेके अपने सीने दे विच उनु बिठावांगा अपने दिल दिमाग दे विच उनु जगह देवांगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी है फरमाया उदा कदम अपने घर तो बाहर बाद दे विच आउंदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन पहले अपने फरिश्तियां नू भेजदा है कि जाओ उहदे पैरां तले अपने पर बिछाओ और फरमाया उहदे हर हर कदम दे बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन एक साल दी इबादत उन्हों अता फरमांदा है इबादत दा सवाब मिल जांदा है और फरमाया हर हर कदम दे बदले अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ए धरती उहदे वास्ते बख्शिश दी दुआ करदी है। मैं उसूल पहले दस रहा कि साडा महाफिल दे विच आवण दा मकसद की होना चाहिए है सिर्फ शेर व शायरी दे जज्बात दे जनाब एक माहौल नू वेखण वास्ते नहीं खतीब दे जनाब तल्ले उत्ते अंदाज वेखण वास्ते नहीं अल्लाह और उसके रसूल दा पैगाम सुन के सीने लावण वास्ते साडा आवण दा मकसद होना चाहिए ता जाके सानू घरों निकलदियां तो लैके घर वापस जांदियां तक साडी वास्ते ए अल्लाह दी धरती साडे वास्ते बख्शिश दी दुआ करदी है। नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीर नारे गौसिया सरकारी
منٹار کی آمد نعرے حیدری تو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاموں اس سلسلے دے وچ کہ اسی کچھ پیغام سنن آئے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس پیغام نو سنو میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک واری درود پڑھدا ہے فرمایا اللہ دے اتے دا رحمت نازل فرماندا ہے اللہ رب العالمین دے دس درجے بلند کردا ہے اللہ رب العالمین اس دے دس گناہ معاف فرما دیندا ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس روایت دے راوی شفا شریف دے اندر قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے اس نو روایت کیتا آپ فرما دین شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا کہ تانو پتہ اصلی کنجوس کون ہے تانو پتہ کہ اصلی کنجوس کون ہے یا رسول اللہ اللہ اور اس دا رسول جانے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصلی کنجوس ہوئے جے دے سامنے میرا نام لے آ جاوے تو میرے تے درود نہ پڑے اس واسطے جدوں میں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے ادھوں درود پڑھنا واجب ہوندا ہے اور جدوں میں اے آیت کریمہ توڑے کنہ تک پہنچے ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی اس دا مانا اے وے کہ بے شک اللہ اور اس دے فرشتے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تے درود بھیج دینے اگے اگلا جملہ فرمایا یا ایو اللذین آمنو اے او لوگ جنہ دے سینے دے اندر ایمان ہے جنہ نے ایمان قبول کیتا ہے جنہ ایمان والے فرمایا یا ایو اللذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اے ایمان والو تو اڈا حق اے بندہ ہے تو اڈی ڈیوٹی اے وے تو اڈا فرض اے وے فرمایا کہ تو سامی درود بھیجو میرے مصطفیٰ تے اور سلام انج بھیجو کہ سلام بھیجن دا حق ادا ہو جائے درود بھیجو تے سلام دی نال تاقید فرما دیتی سلام انج بھیجو کہ سلام بھیجن دا حق ادا ہو جائے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ وجبت لہو شفاعتی جس نے میری ذات تے درود بھیجیا فرمایا میرے اتے لازم ہو گیا کہ میں اُدھی کل قیامت اردن سفارش کروں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں آقا علیہ السلام دا دوسرا ارشاد گرامی میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرمان دے جدو کوئی بندہ میں نو سلام دے دے میرے تے سلام بھیج دے کریم فرمان دے کہ میں اس بندے دا جواب دینا ایمانداری نال دسو کہ میں سلام بھیجا میں سلام دیواں تے میں اپنی حیثیت تے مطابق اپنی انہ گناہاں دی گڑڑی نو کول ویکھ دے ہویا تے اپنی عاجزی کر کے اپنی حیثیت نو ویکھ کے سلام بھیجنا لیکن جدوں جواب ہونا ہے تے مصطفیٰ نے اپنے شایان شان جواب عطا کرنا چلو تھوڑی دی اور گل سوکھی کر لینے میں سلام دیتا ہے توجہ ہے بھئی سٹیج آلے بھائی تھوڑی دیر واسطے گفتگو بند کر سکتے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میں سلام دیتا ہے سلام دا مانا ہوندہ ہے تو اڈے تے سلامتی ہوئے دعا ہے اور اے دعا جدو تم میں اپنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ پیش کرانگے تو میں کیتی ہے اپنی حیثیت مطابق لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نواز ہے اپنی شان دے مطابق جدو تو میں دعا کیتی تے مصطفیٰ دی بارگاہ دے وچ سلامتی دی دعا ہوئی جدو میرے مصطفیٰ دی پاک زبان دے وچوں نکلیا تیرے واسطے میرے واسطے کہ رب العالمین تینوں بھی سلامت رکھے دس او کیڑی گل لے کہ جڑی مصطفیٰ دے مبارک زبان چوں نکلے تے پوری نہ ہوئے
इस वास्ते इब्तदाई चंद जुमले इन्हां नूं समाप्त करन तो बाद अमल दी नीयत नाल इन्हां नूं याद रखना है और इन्हां ते अमल करना है। तवज्जो है भी सारिआं दी। हुण मैं थोड़ा जिहा उस आयत करीमा वाले पासे कि जिहड़ी आयत करीमा दौरान खुतबा पढ़ीए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं पैगाम दिता उस वेले कि जदों करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने बड़े जज्बात नाल बड़ी मुहब्बत नाल बड़े प्यार नाल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच अर्ज कीती कि करीम आका ए फरमाओ असी अपने रब दे नाल प्यार करना चाहने हैं, रब तआला दे नाल प्यार दा तरीका की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे नाल प्यार दा तरीका की है। तो मालिक कायनात दे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजे खामोश हैं, अल्लाह दा कुरान आ गया। भाई सारे नहीं बोल रहे, तुसी कुछ बंदे विच परेशान बैठे, महबूब दे जिक्र विच परेशान होना कोई चंगी गल नहीं। जरा चेहरे ते मुस्कुराहट ले आके सुभान अल्लाह आखो, नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकीर, नारे गौसिया, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंठार की आमद, आमद मुस्तफा, आमद मुस्तफा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, अल्लाह दा कुरान, अल्लाह सारयां नूं कुरान पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। जदों रब्बुल आलमीन दा कुरान पढ़िया जांदा है उदों रब्बुल आलमीन हर हर्फ दे बदले नेकियां 10 अता कर देंदा है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे आका फरमांदे ने रब तआला दा कुरान दिलां दे जंग नूं उतार देंदा है। उस कुरान दे अंदर रब फरमांदा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। मेरा रब इरशाद फरमांदा है, मेरा महबूब फरमा दे इन्हां लोगां नूं अपने गुलामां नूं फरमा दे, ईमान वालियां नूं फरमा दे, अगर तुसां अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका तरीका इरशाद फरमाया है, महबूब इन्हां नूं फरमाओ अगर अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, और कोई तरीका नहीं, उदा और कोई रास्ता नहीं, रास्ता इको ही है, तरीका इको ही है। सुने की फरमाया, फत्ता बेनी तुहाडी तवज्जो अगर होवे ते अल्लाह दे कुरान दी तशरीह करां। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, फरमाया महबूब इन्हां नूं फरमा दिओ अगर अल्लाह नाल प्यार करना चाहते हो, उहदा इक्को ही तरीका है, मेरे पिछे आ जाओ, मेरी ताबेदारी करो, मेरे आखे लग जाओ, मेरिया मन जाओ, अतीउल्लाह वातीउर रसूल, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हुक्म मन्नो, अल्लाह दे रसूल दा हुक्म मन्नो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मकाम ते ए फरमा छोड़िया, फरमाया मैं युतीर रसूल फकद अता अल्लाह, जेड़ा बंदा मेरे रसूल दे आखे लगेगा। फरमाया उसे ही अल्लाह दा आखा मनिया, मैं बिल्कुल सादा लफ्जां दे विच, जेड़ा मेरे रसूल दी मन्ने उसे ने रब दी मन्नी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, महबूब इन्हां लोगां नूं फरमाओ तरीका इक्को ही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे मुहब्बत हासिल करन दा, फिर मुहब्बत हासिल करन दा फिर एक कोई होर इंतजाम नहीं करना पवेगा, बल्कि खुद रब्बुल आलमीन तुहाडे नाल प्यार फरमाएगा। फत्ता बेउनी
युहिब्बुकुम अल्लाह मेरे पीछे आ जाओ मेरे आंखें लग जाओ मेरिया मन के जिंदगी गुजारो मेरे तरीके ते अमल करो मैनू करदियां वेखो ते ओ भी मन्नो मेरा हुक्म होवे ते ओ भी मन्नो मैं जेड़ा कुछ हुंदा वेख के खामोश हो जावां उस ते भी अमल कर लो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो ते इस तरह पता किवें चलदा है कि असां ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ताबेदारी कीती अल्लाह रब्बुल आलमीन साडे ते राजी किवें होया सानू रब्बुल आलमीन ने प्यारा किवें बना लिया है रब्बुल आलमीन ने साडे नाल प्यार किवें कीता है एदी कोई मिसाल ते कोई दलील कोई सामने सानू नजर आनी चाहीदी है कोई सानू एदा सबूत मिलना चाहीदा है एदा सबूत लैणे ते आ उंदे कोलों पुछ जिहनू फारूक आजम आख्या जांदा है फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला नो मुस्तफा दा सच्चा ताबेदार बणिया है जदों मुस्तफा दा सच्चा ताबेदार बणिया है रब्बुल आलमीन ने हर शै फारूक दे ताबे कर छोड़ी मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो फारूक दे ताबे किवें कर छोड़ी है आ फारूक आजम दा दौर मुबारक है जुम्मे वाला दिन है जुम्मा अदा करन दे वास्ते खुतबा इरशाद फरमा रहे तवज्जो मेरे वल तवज्जो करो खुतबा इरशाद फरमांदे होया हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने खुतबे दे दौरान ही फरमाया या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल तीन बारी मेरे फारूक आजम ने फरमाया हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला जुम्मा अदा फरमा के जदों जुम्मे तो फारिग हो रहे नमाजिया ने एक अर्ज सवाल पेश करने शुरू कर दिते हुजूर असा मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दे पिछे भी जुम्मे पड़े असा मुस्तफा दे खुतबे भी सुने असा सिद्दीक अकबर दे खुतबे भी सुने असा सिद्दीक अकबर दे खुतबे भी सुने इस तो पहले भी तुहाडे खुतबे सुनदे रहे हुजूर अज तक ए जुमला सारिया दे नाम वाला जुमला असा जुम्मे दे खुतबे च नहीं सुनिया हुजूर फरमाओ इहदी अज की वजह है अज की जरूरत पै गई है हजरत सारिया दा नाम लैके तुसी उहनां नूं अल जबल दे वल तवज्जो फरमाई है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने लोगों जेड़ा लश्कर भेजे होया सी सारिया दी कमांड दे अंदर सारिया नूं सिपा सलार भेजिया इत्थों 2000 मील दे फासले दे उत्ते हजरत सारिया रजी अल्लाह तआला नूं अपना लश्कर लैके गए कुफार नूं इस तों नाबूद करन वास्ते कुफार दे इलाके दे उत्ते हमले करन वास्ते कुफार दे नाल जंग करन वास्ते गए तवज्जो मेरे वल कुफार दे नाल जंग करन दे वास्ते गए मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो जदों यार तवज्जो मेरे वल करो की मसला है मेहमान आना जाना नहीं अफसोस है यार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत उमर फारूक फरमांदे ने असा सारिया नु लश्कर दे के भेजे होया सारिया नु लश्कर दे के जदों भेजे आए सारिया ने जंग कीती है जंग दे विच शिकस्त आ रही है जंग दे विच शिकस्त आ रही है और शिकस्त उस हाल दे विच के दूसरे तरफ तो पहाड़ आले पासों ओदे उत्ते काफरां दा लश्कर हमला करके उहनां नु गिरफ्तार करना चाहता है ते उन्हां नूं शहीद करना चाहता है मैं सारिया नूं इत्थों 2000 मील दे फासले ते खड़े होके सारिया नूं वेख के उन्हों फरमाया है ओ सारिया जरा पहाड़ आले पासे वेख जरा पहाड़ आले पासे वेख हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला ने उत्थों पहाड़ आले पासे वेख्या पहाड़ दे पासे वेख के हजरत सारिया ने अपनी फौज दा रुख पहाड़ आले पासे कर लिया वेख्या ते अगे काफरां दा ढेर सारा जत्था ढेर सारी फौज काफरां दी मौजूद है जेड़े हमला करना चाहते ने तवज्जो दे नाल जेड़े हमला करना चाहते ने मेरे आका अली सलातो सलाम दे गुलामो हजरत सारिया रज़ी अल्लाह तआला ने उस वेले पहाड़ आले पासे तवज्जो करके हजरत सारिया ने कुफार दे उत्ते हमला कर दिता कुफार दौड़ गए कुफार नस गए मुसलमानां नूं रब्बुल आलमीन ने फतह अता फरमाई करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो कुछ अरसे तों बाद कुछ
कुछ अरसे तो बाद एक बंदा खुशखबरी लेके आवन वाला आया है। जदों खुशखबरी लेके आया है आके आखदा फारूक आजम मुबारक होवे अल्लाह ने सानू मुसलमानां नू फतह अता फरमा छोड़ी, सानू फतह हासिल हो गई। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम जदों फतह दे उसने खुशखबरी आके दित्ती है, लोगों ने पूछना शुरू कर दिता है कि कोई उत्थों दे वाकयात कोई रोदाद सुनाओ कोई कारगुजारियां सुनाओ। उस बंदे ने आखिया असी ते बिल्कुल शिकस्त खुरदा हो गए सन, सानू ते शिकस्त आ गई सी, असी ते उन्हां दे मगलूब हो गए सन, लेकिन असा एक आवाज सुनी सी जुम्मे वाला दिन आवाज सुनी सी सारिया तो लल जबल दा असी सदा सुनीए। त्रै वारी सानू आवाज कन्ना ते पई है, असी पहाड़ वल्लू वेखिया है उत्थे काफरां दी फौज मौजूद है, असी उन्हां दे उत्ते हमला करके उन्हां नू नाबूद कर दिता है, उन्हां दे उत्ते काबिज हो गए, उन्हां दा इलाके नू असी कब्जा कर लिया है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो एओ फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो है जिसने मुस्तफा दी सच्ची ताबेदारी की थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2000 मील दे फासले तक फारूक दी निगाह नू भी कम दे छोड़िया है ते फारूक दी जुबान भी उत्थे पहुंच गई। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नू दी आवाज भी उत्थे पहुंच गई है। मेरे मुस्तफा करीम अली सलाम दे गुलामो एवें ते नहीं पीर बाऊ जंग दा ताजदार बोले, एवें ते नहीं उन्हें आख्या जिहड़ा रब दा हो जांदा है ओ फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दा हो जांदा है। ते आप की फरमांदे ने उहदे विच दूरियां नहीं रह जांदियां, चाहे जंग दे विच बह के बगदाद वाले नूं सद मारे या फारूक मस्जिद नबी दे विच खड़े हो के ते आमा वाले सारियां नूं सद मारे, अल्लाह रब्बुल आलमीन इहदे आवाज पैदा कर देंदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन असर पैदा कर देंदा है। ते आप की फरमांदे ने सीन सुन फरियाद कन धर के ओ मेरा बेड़ा अड़े ओ सुनिया बिच कपरां दे जिथे मच्छ भी ना बैंदे डर के महबूब सुबहानी मेरी खबर ले ओ जट करके ओ ते पीर जिना दे ओ सोना मीरा बाहो लगदे तरके ओ नारे तकबीर नारे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो पीर बाऊ रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिन्हां दा पीर मीरा होवे ओ तर के कद्दी लग जांदे ते जिन्हां दा पीर मीरां दा भी नाना होवे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਫੌਜ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕੁਫਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਫਾਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਦਰਿਆ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਮਾਹਿਰ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਾਫਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਗਲਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕੱਛਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਂ ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੁਕਣਗੇ, ਰੁਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਇੱਕ ਮਜਮੇ ਉਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਵੇਖ ਕਾਫਿਰ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦਰਿਆ ਕਰਾਸ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਉਸ ਫੌਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੈਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਘਬਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਘਬਰਾਹਟ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਂਡਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਕਮਾਂਡਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਫਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਦਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਬਰਫ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਨੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਚੱਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਣੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਸੇਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਰ ਵੀ ਭਿੱਜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮੋ, ਫੌਜ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕੁਫਾਰ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਗੋਲਾ ਗੋ ਐ ਮੇਰੇ ਕਾਫਲੇ ਵਾਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਗਿਰੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੇਰੇ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਂਡਰ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਜੁਮਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਉਛਾਲਿਆ, ਉਛਾਲ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤਾਬੇਦਾਰ, ਮੁਸਤਫਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪਟਾ ਜਿਸਨੇ ਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਸੱਚਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਤਾਬੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਕਿਸੇ ਹਾਜਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਏ, ਕਾਫਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਫਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਅਜੇ ਇਸੇ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਚਿੰਗਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਵਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਫੀਨਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਕੋਈ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਆਪ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੇਰ
जरा संभल के, तेनू पता नहीं मैं मुस्तफा दा गुलाम हां, तेनू पता नहीं मैं मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दा गुलाम हां, इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हो, शेर जेड़ा के चीरन फाड़न वास्ते आ रहा है उस शेर ने आंदे आई से झुका। रिवायत दे अंदर आंदा है शेर ने सर झुकाया और झुका के हजरत सफीना दे पैरां नूं चट्टन लग पिया और थोड़ी देर तो बाद अपनी गर्दन दे नाल इशारा करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ। हजरत सफीना पीछे पीछे थोड़ी दूर ले जाके शेर ने काफले दे नाल मिला के मेरे मुस्तफा करीम अली सलातु सलाम दे गुलाम दा इंज एजाज और इकराम कीता है। जेड़ा सच्चा गुलाम होवे उस दा रब्बुल आलमीन दी हर चीज हया कर दिए। आ एक और सिपा सलारे काफला लेके जा रहे हैं मुसलमान रात मगरिब दे करीब एक जंगल दे किनारे ते पहुंचे और जंगल दे बारे ए पता लगा कि जंगल बड़ा खतरनाक है। इदे अंदर बड़े मूजी जानवर रहंदे शेर चीते और चीरन फाड़न आले दरिंदे रहंदे। इस जंगल दे विच क्याम करना मुनासिब नहीं। उस अमीरे काफला ने फरमाया तुसी घबराओ नहीं, असी इंतजाम कर लवांगे। जंगल दी एक नुक्कर ते खड़े होके तवज्जो है भाई सारेयां दी, जंगल दी एक नुक्कर ते खड़े होके मुस्तफा करीम अली सलातो सलाम दे उस गुलाम ने जेड़ा सच्चा गुलाम है उन्हें नुक्कर ते खड़े होके सदा लाई। जंगल दे जानवरों नु मुखातिब करके फरमांदे ए जंगल दे जानवरो, सूरज दे गुरूब होण तो पहले पहले इस जंगल नु खाली कर दे। सूरज गुरूब होण तो पहले पहले जंगल नु खाली करो। इत्थे मुस्तफा दे गुलामा ने क्याम करना है, लिहाजा जंगल शाम तो पहले पहले खाली होना चाहिए। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो रावी फरमांदे ने कि असा अपनी अखां दे नाल वेख्या जेड़े जानवरां दे बच्चे नाल दौड़ नहीं सन सकते उन्हां जानवरां ने अपनी कंड ते उठाए ते जानवर दौड़ रहे। जंगल खाली कर दिता मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामा दा इंज हुक्म ते आर्डर मनिया। इमाम लंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो इदी वजह की आई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह फत्तबियूनी युहिब्बुकुम अल्लाह। मालिक कायनात ने इरशाद फरमाया ओ कायनात वालो सुन लो, अगर रब्बुल आलमीन दे नाल प्यार करना चाहते हो, अगर रब्बुल आलमीन दे नाल प्यार करना चाहते हो तुसा मेरे मुस्तफा करीम अली सलाम दे ताबेदार बन जाओ। जदों मुस्तफा दा ताबेदार बंदा बन जाए उस वेले कायनात दी हर चीज दा हया कर दिए। जदों मुस्तफा दा ताबेदार बंदा बन जाए हर चीज उसके कदमां दे विच आ गिरदी। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी इधर दी आ मैं अपने कोलो नहीं मेरे मुस्तफा दा फरमान सुन। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब अली सलाम फरमांदे ने मेरे गुलामो मेरे रब ने इरशाद फरमाया है। आका अली सलाम अपने रब दा फरमान सुनांदे ने मेरे रब ने इरशाद फरमाया है। मेरे मुस्तफा करीम अली सलाम ने फरमाया मेरा रब फरमांदा है जदों बंदा नफली इबादत करदा है फर्जां दे इत्तेमाम दे नाल नाल फर्जां दे इत्तेमाम दे नाल नाल जदों राती जाग जाग के अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच नफली इबादत करदा है, रातां नूं जागदा है, दिनां नूं नफली रोजे रखदा है, रातां नूं अल्लाह दा कुरान नफलां दे अंदर अदा करदा है और बाकी मुस्तहबात कम करदा है। मेरे करीम फरमांदे ने फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक ने फरमाया कि जदों बंदा नफली इबादत करदा है वह मेरे इंज करीब हो जांदा है कि मैं उस दियां अखां बन जाना जिन्हां दे नाल वेखदा।
मैं उसके जुबान बन जाना जिदे नाल ओ बोलदा है, मैं उसके हाथ बन जाना जिन्हां दे नाल ओ पकड़दा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो ते अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदा है, मुस्तफा करीम अलैहि सलाम इत्तला दे रहे, मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मेरा रब फरमांदा है मैं उस बंदे दा दिल बन जाना जिदे नाल ओ सोचदा है। इतने तक फरमाया कि मैं उस बंदे दे कदम बन जाना जिन्हां दे नाल ओ चलदा है। मतलब की है, हुंदा अखां बंदे दीआं हुंदीआं ने, ताकत रब दी अता हो जांदी। इस वास्ते मेरे मुस्तफा फरमांदे ने, लोगो मोमिन दी बसीरत कोलो डरिया जे, मोमिन दी बसीरत कोलो डरिया जे। अल मोमिनु यनजुर बिनूरिल्लाह, मोमिन अल्लाह दे नूर नाल वेखदा है। मोमिन दिलां दे उत्ते लिखी होईआं तहरीरां पढ़ लैंदा है, मोमिन मत्थे दे उत्ते लिखे होया खुशबख्त या बदबख्त पढ़ लैंदा है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ताकत उहदी जुबान दे अंदर आ जांदी है, जिहड़ा जुमला बोलदा है अगले दे उत्ते असर कर जांदा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ताकत उहदे कन्नां दे अंदर आ जांदी है। मालिक कायनात दी फिर किस कायनात दे अंदर कोई शै भी रुकावट नहीं बन सकदी। जदों रब्बुल आलमीन दा कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन दे किसे ऐसे बंदे नूं पुकारदा है जिस दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ताकत आई हुंदी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ओ बंदा जिथे भी कोई उसनूं पुकारे उहदी पुकार नूं सुन लैंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दी ताकत उहदे हत्थां दे अंदर आ जांदी है। जे उंगली दा इशारा करे तवज्जो, जे उंगली दा इशारा करे फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दी तरह 90 लख नूं कलमा पढ़ा छोड़दा है। जदों 90 लख नूं कलमा पढ़ा छोड़दा है किवें पढ़ाया है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे उत्ते केस कर दे हिंदुआ ने सिखा ने केस करके आखन लगे केस की सी साडे बंदे साडे नालों विछोड़ी जांदा है, साडे बंदे साडे नालों त्रोड़ी जांदा है, अपने मजहब च लियाई जांदा है, इहनू रोकना चाहीदा है, इहनू रोकना चाहीदा है। इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं जज ने बुला लिया। जज ने आख्या, ए दस तू साडे बंदे इन्हां दे बंदे क्यों पिया तोड़ना है, इन्हां दे बंदे इन्हां नालों क्यों पिया छोड़ना है, अपने दीन दे अंदर जबरदस्ती क्यों पिया पाना है। ख्वाजा साहब ने उसे जज वाल इशारा किया, फरमाया फरमाया ए दस तेनू मैं त्रोड़िया है, तेनू मैं कलमा पढ़ाया है। जदों जज वाल इशारा उंगली दा कीता है, जज भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दे नारे लगाउण लग पौंदा है। फिर मुख मोड़िया वापस अवाम वाले पासे, ओ जिन्हां ने केस कीता सी उन्हां वल मुख मोड़ के आप फरमांदे ने, दस तेनू मैं कलमा पढ़ाया है, दस तेनू मैं आख्या तू पढ़ अशहदु अल्ला इलाहा। जदों इंजे तरह उंगली दा इशारा करदे जांदे ने, उंगली दा इशारा हुंदा जांदा है, जिदे उंगली दा इशारा हुंदा है ओह कलमे ही पढ़दा जांदा जांदा। नारे इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो ते ताकतां में नहीं आउंदियां। आप पीर बाऊ रहमतुल्लाह अलैह कोलो पुछने आए, आप की फरमांदे ने? आप फरमांदे ने दे उत्ते मेहनत लगदी है। ते ओ बोलिया, जवाना तू भी मेहनत कर, तेरी भी जवानी जाया पी आउंदी। आप की फरमांदे ने? फरमांदे ने रे राती रती ओ सानू नी ते दिन नू रहे हैरानी, हो आरिफ दी गल ओए आरिफ जाने ते की जाने नफसानी, कुछ हासिल
कर ले तेरी जाया गई जवानी। ओ वाह नसीब उसे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो हजरत पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया साडियां रातां अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब दी ताबेदारी दे विच गुजरदियां ने। रातां इबादत दे अंदर जाग जाग के गुजरदियां ने। रब तआला दा ओ फरमान याद हुंदा है ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انشاء اللہ العزیز علامہ صاحب सफदर भाई इशारा फरमा रहे हैं तकरीबन 10 मिनट तक पहुंचने वाले हैं। इंशाल्लाह अज़ीज उतनी देर तक अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करनी है और मैं अल्लाह ताला दा कुरान तुहाडे सामने पढ़िया है। पीर बाउ रहमतुल्लाह अलैह ने इयो समझाया है फरमाया कि अल्लाह ताला दे बंदे अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच सारी सारी रात जाग के गुजारदे ते अल्लाह दा कुरान की फरमांदा है फरमाया ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजी यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ फरमाया उना दीयां करवटां उना दे पासे फरमाया अलग रंदन बिस्तरियां बिस्तरियां ते नहीं सोंदे सारी सारी रात अपने रब दी बारगाह दे विच खड़े होके उनु पुकार देन ओदी इबादत कर देन। किस अंदाज नाल फरमाया खौफम व तमा ओदो डरदे पे होंदे ओदो उम्मीद रखी हुई होंदी है। इस अंदाज नाल रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच इबादत दे एहतमाम करते ने और मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामों एक ओ हैं जेड़े मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम सच्चे बने। अगर चे दुनिया भी उन्हां दे कोल है लेकिन दुनिया नूं उन्हां ने दिल दे विच नहीं रखिया ते असी कौन असी किवें दे लोग हैं कि असी दुनिया दे विच रह के दुनिया नूं अपने विच रख ले। दुनिया दे वास्ते दिन रात असी अपना तन मन धन कुर्बान करके खून पसीना एक करके भाई तवज्जो है तुहाडी खून पसीना एक करके असी दुनिया नूं हासिल करन दा सोच रहे हैं ते तुहानूं पता है पीर बाउ रहमतुल्लाह अलैह दुनिया दे बारे भी की फरमाया। मैनूं हुक्म यही होंदा है फरमाइश यही होंदी है कि ज्यादा तो ज्यादा पीर बाउ रहमतुल्लाह अलैह दा फरमान सुनाया जाए ताकि हो सकता है किसी बंदे दी समझ दे विच कोई जुमला आ जाए। कोई जुमला किसी दी समझ च आ जाए और ओदी जिंदगी दे समरण दा सबब बन जाए। पीर बाउ रहमतुल्लाह अलैह इस जेदे पिछे असी दिन रात अपना बर्बाद कीता ओदे बारे की फरमांदे ने बड़ा इंतहाई गलीज जिया आपने नाम लेके दुनिया दी मिसाल दित्ती है। मिसाल की दे पीर बाउ फरमांदे ने ए दुनिया
मेरा ख्याल मेरे नाल देर तुसी अलामा साहब नु किवें सुनना ए दुनिया रन है जपलीती ते केती मलमल धोंदे ओ दुनिया कारण लोग निमाणे ते सुख दी नींद न सौंदे गोशे वड़ वड़ रोंदे ओ जिन्ना छड़ी ए दुनिया बाहू ओ कती लग खलोंदे फरमाइश की थी उन्होंने फरमाइश इस शेर दिवी कर देती है हसन दे के तुरोन लियो तेनु दिता किस दिलासा ओ उमर बंदे दी यारों एवें गुजरी पानी विच पतासा ओ सौड़ी सामी तेनु सट छड़सने जिथे परत न सकसे पासा सुनया लेखा मंगसी बाहु रत्ती घटना मासा ओ ते मैं भी एक मशवरा पीर बाहु दी जबानी दे लवां मैं अपने कोलों में एक मशवरा जबान पीर बाहु दे ते मेरी मेरी एक पसंद है मैं मशवरा की देना चाहना जेड़ा पीर बाहु ने दिता है मशवरा आपकी फरमांदे ने फरमाया नाल कुसंगी ओए संग ना करिए ते कुल नू लाज ना लाइए तरबूज न थी बावे तोड़ मक्के ले जाइए ओ कावां दे बच्चे ओए कदी हंस न थी बावे मोतियां चोग चुगाइए ओ कौड़े खूह कदी मिठे ना बाहू बावे सैमणा गुड़ पाइए
मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दे गुलामो, बात सिर्फ इतनी है कि वेख साबित नहीं अजे हवास तेरे, कर ले नेकियां बेलिया रज के तू, क्यों रब रसूल नु बोल बैठो, आ जा रब रसूल अल भज के तू, आई मौत इत्थे ही रहने नहीं कम तेरे, टुर पैना अगां नु सज के तू, की अक्स नहीं लोग यकूब तेनु, जदों टुर पे मुंह नु कज के तू। बहरहाल जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, मोया नाल मरदा कोई नू, एवें दुनिया दे यारां दे उत्ते माण करना है। जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां विवाजियां आ रहियां नी, जेड़े तरस दे संदीद नू दिने राती, जेड़े तरस दे संदीद नू दिने राती, अज उन्ना वी वारियां मारियां ने। गुलशन अंदर जदों खिजां ने वाल खोले, शायर ने ना ते खिजां दा लिया, मिसाल खिजां दी समझाई है। बड़े यार होंदे ने, बड़े दोस्त होंदे ने, बड़े जनाब जिगरी यार होंदे ने, एक दूजे दे उत्तों अपना खून भी लुड़ावण नू तैयार होंदे ने, पर उतने तक जदों ए वालां दी सफेदी नहीं हुंदी, मुड़ बह जाती हर एक अपनी अपनी। गुलशन अंदर जो खिजाने वाल खोले, पंछी उड़ गए मार उडारियां ने, मोहम्मद बूटिया झूठे जग सारा, सचियां अल्लाह रसूल दी यारियां ने। मुस्तफा दा ताबेदार बन, मुस्तफा करीम अली सलातुस्सलाम दा गुलाम बन, जितने जोगा हैं मुस्तफा करीम अली सलातुस्सलाम दे गुलामी दा हक अदा कर। मुस्तफा करीम अली सलाम दी गुलामी की है यारो, मेरे करीम फरमांदे ने, फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस सलात, ओ मेरे गुलामो मेरिया अखां दी ठंडक नमाज, अखां दी ठंडक मुस्तफा नूं पहुंचाना चाहना है, नमाज दा पाबंद बन जा। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ओ फर्ज है कि बाकी सारे फराइज दुनिया ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हां दा हुक्म नाजिल फरमाया, लेकिन इनू इतने एहतमाम दे नाल मालिक कायनात ने महबूब नूं अरशे उला ते बुला के मालिक कायनात ने ए तोहफा मुस्तफा नूं अता फरमाया। करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, अखलाक अच्छे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमांदे ने, तुसा छियां छियां दी जमानत मैनू दियो, जन्नत दा जामिन मैं तुहाडा बन जा। या रसूल अल्लाह केड़ियां? फरमाया उकफुलूली बिसितन अकफुलुलकुमुल जन्ना, तुसी मैनू छियां छियां दी जमानत च दियो ते जन्नत दा जामिन तुहाडा मैं। फरमाया पहला अस्सलात, नमाज दी पाबंदी दी जमानत दे। तवज्जो है, इहो जिहियां गल्लां थोड़ियां औखियां होंदियां, सुननियां भी मुश्किल हो जांदियां। फरमाया सलातो वल ज़कातो वल अमानतो वल फर्जो वल बतनो वल लिसान। मेरे करीम फरमांदे ने, फरमाया के मैं नमाज दी हिफाजत दी जमानत दे, नमाज पाबंदी करेगा मैनू जमानत दे, जन्नत दा जामिन तेरा मैं। जकात अदा करेगा, करोड़ा अरबां दा मालिक है, जकात दा उनू पता ही कोई नहीं, गरीब बूहे ते आ जावे ते उनू झिड़क देंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक दे महबूब अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने, फरमाया जकात अदा करेगा जमानत दे, वल अमानतो अमानत च खयानत नहीं करेगा, जेड़ा को तेरे को अमानत रखे उन्हों पूरी पूरी वापस करेगा, जदों मुतालबा करे उदों अदा करेगा, अमानत दी जमानत दे। फरमाया वल बतनु, अपने पेट दी जमानत दे के पेट च हराम नहीं खा डालेगा, हराम नहीं पावेगा पेट च, शराबां दे कारोबार
धोखेबाजियां बेहयाइयां और गाने बाजे दे कारोबार पता नहीं की कुछ जी कारोबार है और की करने है जुए लाटरियां जनाब इनामी जदीद किस्म दा एक जड़ा एक निकल आया मोटरसाइकिलां वाली जनाब असि कमेटियां शुरू कीती होईयां एक गरीब मर्द है वो 40 महीने तक वो 2-2 हज़ार दिंदा रहंदा है वो 80 हज़ार जा बनदा है ते एक जड़ा है वो खुश नसीब जनाब सब तो पहला खुश नसीब तुहाडी जबानी पियाना मैं आप खुश नसीब नहीं उन्हों आख रहा ओदी 2 हज़ार मोटरसाइकिल निकली जनाब बड़ा खुश नसीब है भाई उस बेचारे का की कसूर है जिन्हों 40 महीने जलील की 30-40 हज़ार 35 हज़ार की मोटरसाइकिल मत्थे मारी है ते उदा की खूबी आई जिन्हों 2 हज़ार दे के ते तू जनाब ओनू खुश नसीब ते नारे पे मार दे फरमाया मेनू पेट की हिफाजत की जमानत दे पेट च हराम नहीं पावे सूद दे कारोबार साडे इलाके च एक बंदा है मैं ना नहीं लेना चाहता घर दा फर्नीचर वेच के घर दा समान वेच के ते उस पैसे सूद ते दित्ते उन ओ इस वास्ते यार चलो पिया फर्नीचर ते गल जाना एदु चार आने नार रलदे रहणगे चारा ने नाल नहीं रले तेनु अजे भी इतना कुछ वेख के भी इबरत नहीं हुई साडे शहर दे विच एक सूद दा कारोबार करन वाले फ्रिजां वाली दुकान उन्हां दी है ते जिस वेले उन्हां दा उरूज ते कम अपड़िया ना उरूज ते जनाब पूरी दुकान बड़ा वड्डा ढेर सारा उन्हां दा हाल भरे होया फ्रिजां दा करोड़ा अरबां दा समान विच रब्बुल आलमीन दा कहर आया रात नू बिजली दा तार शार्ट होया सारा कुछ जल के खाक हो गया ओ ते इरादे ओदे ते बड़े उच्चे सन के मैं बड़ा पैसा लोकां कोलों कमा लिया मैं लोगां नू मैं ते फ्री बैठ के आजादी नाल बैठ के ना मेरा हाथ मैला ना पैर मैला मेरे कोल ते जनाब लखां महीने तो बाद आ रहे लेकिन रब्बुल आलमीन उस दी तकदीर उस मालिक के कायनात ने जो फैसला कुरान ने फरमाया वो गलत नहीं मालिक दा फैसला सच्चा है मालिकुल मुल्क ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सदके नू वधांदा है ते सूद नू अल्लाह घटांदा है सदका वधदा है सूद घटदा है बाजार वेखण च बंदा 100 रुपया दे विचों 5 रुपया देवे सदका हर एक ने आखना है हर एक ने आखना है कि यार 100 चो ते 5 गए 95 रह गए ते उदू 100 दे नाल 5-10 रुपए नाल आ गए हर किसी आखना है यार 10 रुपए ते इन ता नफा हो गया 10 रुपए तेरे ते वध गए लेकिन हकीकत की है मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया लोगों मैं कसम खा के आना हालांकि मुस्तफा इंजे ही फरमा देंदे ते गल ओ भी सच्ची पक्की है मेरे आका अलैहि सलातो सलाम ने फरमाया मैं कसम खा के आना उस रब दी कि जेदे कब्जा कुदरत दे विच मेरी जान है फरमाया सदका देवण नाल माल घटदा नहीं अल्लाह वधा देंदा है तेरे सारे जहान दे हिसाबी ते रियाजी दान ते कैलकुलेटर सारे आखणगे के 100 जो 5 आवण ते 95 लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दे महबूब फरमांदे ने मैं कसम खा के आना 95 नहीं ओ 5 जेड़े दिते नहीं अल्लाह उनू 700 गुना तक भी वधा के अता कर ते जेड़ा सूद है फरमाया सूद घटदा है और एक ना एक दिन सूद तैनू ऐसे गड़े दे विच छटदा है कि तू उत्थों निकलण जोगा नहीं रहंदा दुनिया दे उत्ते भी इबरत दा निशान बनदा है आखरत दे मैदान दे विच क्यामत दा दिन होना है सूद खोर दा पेट अल्लाह ताला इंज वदा 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 के मकान जिड्डा कर छड़ना ओनू लिटा देना है जहन्नम दे रास्ते ते सूदियां सारियां नू लिटा के
अल्लाह रब्बुल आलमीन दे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिरौन ते ओदी कौम ओदा लश्कर उन्हां ओदे पेटां तो गुजर के जहन्नम में जाना। सूद खोर चूंकि सूद शुरू किया यहूदिया ने ते आया मुसलमाना दे विच ते मुसलमाना नू तंग करन दे वास्ते जेड़ा बंदा ऐसा कोई भी कम ऐसा कोई भी कदम उठांदा है अल्लाह रब्बुल आलमीन नू भी पसंद नहीं अल्लाह दे महबूब नू भी पसंद नहीं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामो फरमाया वल बतनो अपने पेट दी हिफाजत दी जमानत दे वल फर्ज अल्लाहु अकबर अपनी शर्मगाह दी हिफाजत दी जमानत दे। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं मेराज वाली रात वेख्या एक तंदूर दी शक्ल दा खूह है तल्ला उसका चौड़ा जिवें तंदूर दा उत्तों सौड़ा मूंह होंदा है तल्ले चौड़ा होंदा है फरमाया इंज दा खूह है उहदे विच अग भड़क रही है शोले बुलंद हो रहे हैं और उन्हां शोलियां दे नाल कुछ मर्द और औरतां विच नंगे जिहड़े के शोला जिवें उतां उठदा है साडी पंजाबी विच असीं आने वी लंब जिवें उतां उठी उहदे नाल उह वी जिवें तंदूरी दे विचों कोई पत्थर साड़ीए ना या कोई डिंगरी ऐसी होवे कि जिहदे उत्ते पत्थर होवण उहनूं साड़ीए ते उह पत्थर उड़ के उत्ते लंब दे नाल उत्ते आ जांदे ने। फरमाया शोले इंज बुलंद होंदे ने उन्हां शोलियां दे नाल ओ मर्द और औरतां भी उत्ते आ जांदे ने फिर उत्तों धड़ाम गिरदे ने विच। पुछया जिबरीले कौन लोग ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच जिबरील ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ लोग ने जेड़े बदकारी करन आले अपनी शर्मगाहां दी हिफाजत न करन आले। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदे ने कि मैं वेख्या एक जगह दे उते बड़ा खूबसूरत खुशबूदार खाना तैयार है नाल ही बदबूदार और गंदा और कीड़े मकौड़े उहदे विच ने उह खाना तैयार है। आका अलैहि सलाम फरमांदे ने कि मैं वेख्या लोग दौड़ दौड़ के गंदे और बदबूदार कीड़े वाले खाने वाल जा रहे हैं साफ सुथरे खाने वाल तवज्जो ही नहीं कर रहे। मैं पूछा जिबरील इन्हां नूं की तकलीफ है ये क्यों इंज कर रहे हैं सुथरा खाना क्यों नहीं खा रहे। जिबरील अमीन ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए ओ लोग हैं जिहड़े दुनिया दे विच अपनी हलाल दी निकाह वाली बीवी छोड़ के गैरां वाले पासे मुतवज्जे हुंदे ने हराम वाले पासे तवज्जो है बदबूदार अल तवज्जो है और अपने हलाल वाले पासे तवज्जो नहीं। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो मेरे आका अलैहि सलाम ने एक होर मकाम दे उत्ते इरशाद फरमाया फरमाया तुसीं दो शैयां दी जमानत मैनूं दिओ ते जन्नत दा ज़ामिन तुहाडा मैं आ। पुछया या रसूल अल्लाह केड़ियां फरमाया एक जिहड़ी दोवां जबड़ियां दे दरमियान है एक जिहड़ी दोवां टंगां दे दरमियान फरमाया जुबान ते शर्मगाह दोवां दी जमानत मैनूं दिओ जन्नत दा ज़ामिन तुहाडा मैं आ। अलामा साहब थोड़ी देर अजे पहुंचण वाले और रास्ते दे विच इस वास्ते मैं थोड़ी देर वास्ते यार बरकत दे वास्ते हदीसां तुसीं सुणदे जाओ हो सकदा है किसे जुमले दा किसे दे उत्ते असर हो जाए। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामो फरमाया शर्मगाह दी हिफाजत दी जमानत मैनूं दे तवज्जो। और आखिरी बात मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई फरमाया वल लिसान अपनी जुबान दी हिफाजत दी जमानत मैनू दे एक ते फजूल बक बक नहीं करेगा गंदे गाने नहीं गाखेगा और दूसरा इस जुबान नाल किसे नू जख्म नहीं पहुंचाएगा। एक अरबी दा शायर है उन्हें बड़ी प्यारी गल की आखन लगा कि जराहा तो सना ने
लहुल तयाम वला यलतामो जरुल लिसान। फरमाया जेड़े तलवारां ते तीरां दे जख्म होंदे ने एक ना एक दिन उभरी जांदे ने, ओ मुकम्मल हो जांदे ने, उन्हां दा गोश्त पोश्त मुकम्मल हो गया, जख्मां दे निशान भी मिट गए, लेकिन जुबान नाल लगो या जख्म, बंदा बिस्तरे मर्ग ते पिया होवे, निजादा आलम होवे, मदहोशी और बेहोशी होवे, ओदी अखां दे सामने फरिश्ते होण और सारा मंजर ओदे सामने होवे, ते ओ बंदा जिस जिंदगी च कदी उसनू कोई गल अजे ही कीती होवे कि जिहदा उहनू जख्म आया होवे, फरमाया ओ बंदा जो उस वेले भी सामने ओदे आवे उस वेले भी उन्हों जख्म ताजा हो जाता। ए जख्म नहीं मिटदा जेड़ा जुबान नाल हुंदा है। इस वास्ते जुबान दी हिफाजत दी जमानत मेरे आका अली इस्लाम ने मंगी है। मेरे आका अली इस्लाम दे गुलामो, पेट दी हिफाजत दे मामले दे अंदर करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फरमाया जेड़ा बंदा एक घुट शराब दा अपने गले तो तले उतार दे, एक घुट शराब दा रोजाना कुपियां पी पी के, अल्लाह ताला दी पनाह मैं अगली गल नहीं करता। फरमाया जेड़ा बंदा एक घुट शराब दा अपने गले तो तले उतारदा है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रब फरमांदा है वा इज्जती व जलाली, मैनू अपनी इज्जत की कसम है, मैनू अपने जलाल की कसम है, मैनू अपने रोब की कसम है, मैं उस बंदे नू अगर तौबा करके ना मरिया क्यामत आले दिन जहन्नम विच सड़दियां दा खून ते पीप जरूर पिलावांगा, बाद दे चुन बख्शा ना बख्शा मेरी मर्जी। फरमाया ए मैं जरूर अपनी इज्जत दी कसम खा के आना कि मैं जरूर उनू जहन्नम में छड़दियां दा खून ते पीप पिलावांगा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, ओ बंदा जिस दे खाने दे नाल भी पानी दी जगह ते शराब है, ओ बंदा जेड़ा दोस्तां दे विच बह के शराब दा इहतमाम करे, ओ बंदा जेड़ा जदों खुशी दा मौका आवे ते अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशी अता करे ते रब दे अगे शुक्र दा सजदा करन दी बजाए ओ रब दीआं नाफरमानियां लग जाए, रब्बुल आलमीन दीआं नाफरमानियां जो रब ताला ने हराम फरमाया है उस दे उत्ते लग जाए और लोगां दी अपने दोस्तां दी दावत शराब नाल करे, उस बंदे नूं सोचना चाहीदा है अगर इस हाल च मर गया रब ताला नूं केड़ा मुंह जाके विखावेगा। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम हजरत अली अल मुर्तजा शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अनु आप फरमांदे हैं, फरमाया के खूह होवे या दरिया होवे ओदे विच एक कतरा गिर जावे शराब दा उस मकाम ते रेत निकल आवे, उस रेत दे उते गाह जम जावे, गाह समझदे हो ना, गाह जम जावे, घास जम जावे, फरमाया मैं अली उते अपने घोड़े नू चराना भी गवारा नहीं करता। उत्थे अपने घोड़े नू चराना भी गवारा नहीं करदा, इतनी नापाक चीज है। मेरे मुस्तफा करीम अली सलातु सलाम दे गुलामो अपने पेट दी जमानत किवें देवांगे अगर साडे पेटां दे अंदर ऐ जी खबासत आ गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दरवाजा रखिया है, बंदा जिन्ना भी गुनाहगार होवे, जितने भी भुल भुलेखे हो चुके होवन, जितने भी यारियां दोस्तियां दे विच हो चुके होवन, आखिरकार बंदा जदों शर्मिंदा होके शर्मसारी दे नाल अखां दे विच आंसू लैके अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच सच्चे दिल दे नाल तौबा कर लवे और अल्लाह ताला दी बारगाह दे विच नफल अदा करके सजदे सर रख के मालिक दी बारगाह दे विच अथरुआं दे नजराने पेश करदे होया अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करे कि मालिक जो मेरे को गलती हुई रब्बुल आलमीन तू माफ कर दे। इलाहुल आलमीन दी रहमत इतनी वसी है, फरमाया अगर तेरे गुनाह जमीन तो लैके आसमान तक भी हो गए होवन तू मेरे बूहे ते आ जावे, सच्चे दिल नाल मैं तेनू सारे माफ कर देवांगा।
तेरे सारे माफ हो जाएंगे। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, बात इतनी सारी है कि केड़ी शोखी ते करें वद वद गल्ला। जाना मिट्टी एच, मिट्टी औकात तेरी, मिठा बोल जबान तो भला हुई, मता कल ना होवे मुलाकात तेरी। एवें वड वडेरा ते खान बनना, इन गल्लां च नहीं निजात तेरी। उत्थे अमलां दे सौदे ने याद रखी, किसे पुछनी नहीं उत्थे जात तेरी। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सल्लम दे गुलामो, इंशाअल्लाह अजीज अलामा साहब पहुंचण वाले ही हैं। मैं कोशिश तो कर रहा कि मैं इत्थे अपनी गुफ्तगू खत्म करके एक नाथ खां को लोग कोई नाथ सुन लवीए, पर नाल ही मेरा यह भी इरादा है कि चलो एक सिद्दीक अकबर का फरमान भी सुना देव। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने बचपन तो मेरे मुस्तफा करीम अली सलाम दे दोस्त हैं, और सब तो पहले कलमा भी आपने ही पढ़े, और फिर 23 साल दा अरसा मेरे मुस्तफा दी खिदमत च रहन। 23 साल दे अरसे दे विच सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मेरे आका अली सलात व सलाम को जो सीखिया उदा निचोड़ पेश कर दें। फरमाया के लोगो, अज़्ज़ुलुमातु खम्सुन वस्सुरुजु लहुम खम्स। फरमाया पांच अंधेरे ने, पांच रुकावटा ने, उना दे वास्ते रुकावटा दूर करन दा, अंधेरे दूर करन दा चिराग भी पांच किस्म दा। हुज़ूर केड़े अंधेरे केड़े ने, फिर उना दे वास्ते रोशनी केड़ी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप इरशाद फरमांदे ने, फरमाया के हुब दुनिया जुल्मत हो, दुनिया दी मोहब्बत दिल दे विच आ जावे, दिल काला हो गया, अंधेरा दिल ते छा गया। फरमाया एक अंधेरा है, वह सिराज उलहा तकवा। फरमाया अगर इस अंधेरे नु दूर करना चाहना है, चानन लेना चाहना है, ते अल्लाह रब्बुल आलमीन दा डर इख्तियार कर, तकवा इख्तियार कर, परहेजगारी इख्तियार कर। और फरमाया वल इस्मु ज़ुल्मतुन, गुनाह एक अंधेरा है, व सिराज उल तौबा। अगर उस अंधेरे नु दूर करना चाहना है तो फिर एतमाम ओदे वास्ते चिराग, ओदे वास्ते रोशनी, उस अंधेरे नु दूर करन दा बंदोबस्त। फरमाया सच्चे दिल नाल तौबा कर ले। तीसरा आपने फरमाया वल कबर ओ ज़ुल्मतुन, कबर एक अंधेरी कोठड़ी है, अंधेरा मकाम है, अंधेरा जहान है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कबर रोजाना पुकार दी है ते की आख दी है, अना बैतु दूदे, अना बैतु तुराबे, अना बैतुल वहदते, अना बैतु जुल्मते। कबर बार बार पुकार दिए और रोजाना पुकार के की आख दिए, ओ बंदे मेरे उत्ते चलन वाले ए याद रख, मैं तनहाई दा गारा, तेरे नाल होर किसे नहीं सोना, अकलिया होने ही, मैं तनहाई दा गारा, मैं कीड़े मकोड़िया दा गारा, मैं मिट्टी दा गारा, मैं अंधेरे दा गारा। आप फरमाते हैं कि कबर अंधेरा जहान है, अंधेरा मकाम है, उत्थे अगर दीवा बालना चाहना है, चानन करना चाहना है, तो फरमाया वा सिराज उलहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ओदे वास्ते जेड़ा चानन है, जेड़ा सिराज है, जेड़ा दीवा है, फरमाया ओदे वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह दे उत्ते यकीन रख के ला इलाहा इल्लल्लाह दी कसरत कर, कबर तेरी चाननी हो जाएगी। और फिर उस तो बाद फरमांदे ने के वल आखिरत ज़ुल्मत, आखिरत दा जहान मैदान क़यामत बड़ा अंधेरा जहान है। उस अंधेरे जहान दे विच अगर तू चानन दा बंदोबस्त करना चाहना है
तो फरमाया वा सिराजुल हा अमल सालेह, उहदे वास्ते नेक अमल जरूरी ने, नेक अमल करदा जा, चूंकि उत्थे वजन भी नेक अमलां दा होना है और बुराइयां ते नेकियां तोलियां जानियां, मीज़ान अदल लगना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक दे महबूब अली इस्लाम दे यार हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला नूं फरमांदे ने कि उत्थे अगर तू चानण दा बंदोबस्त करना चाहना है तो फरमाया उहदे वास्ते चानण अमल नेक करदा रहो, अल्लाह रसूल दे अखे लगदा रहो, ताबेदारी करदा रहो, जिंदगी अपनी मुस्तफा करीम अली इस्लाम दी सुन्नत दे मुताबिक गुजार। कल क्यामत आले दिन मैदान महशर दे विच सिर्फ चानण नहीं तेनू रब्बुल आलमीन दे अर्श दा साया भी अता कीता जाएगा। फरमाया आखरी बात, पंजवीं बात, फरमाया वस्सिरातु ज़ुलमतुन, पुल सरात एक बड़ा अंधेरा जहान है, उदे वास्ते अगर तू चानन दा बंदोबस्त करना चाहना है तो फरमाया वसिराजुल हल यकीन, उदे वास्ते चानन, उदे वास्ते दीवा, उदे वास्ते चिराग। फरमाया यकीन पुख्ता रख, डावा डोल ना हो जा, यकीन पुख्ता रख। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम दे दौर मुबारक दे विच दो बंदे फौत होए, एक दे बारे मशहूर आई बड़ा इबादत गुजार है, जदों ओ फौत होया मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत नू गया। पूछा हुजूर दी वजह की है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम आपने फरमाया चलो इन्हां दे घर जाके तहकीक करने हैं कि दी वजह की है। नेकोकार दे घर गए, जाके उहदी बीवी कोलों पुछया कि तेरा खामिंद फौत होया, कोई उहदा अमल जिहड़े करदा आई? उन्हें आखिया बड़ी नमाजा पढ़निया, बड़े रोजे रखने, बड़े जनाब इतात करनी, लेकिन रात नूं जदों बिस्तर ते सौंदा आई, सवण तो पहले लेटदे नाल ही ये गल करदा हुंदा आई कि या अल्लाह जो मूसा दीन लेके आए, जो किताब लेके आए, अगर वो सच्ची है, अगर वो सच्ची है तो फिर साढ़े बारे ने आ रहे। आपने फरमाया सुन लिया ने, ए अगर मगर दे विच यकीन कामिल नहीं है, डावा डोल ते तजबजब दा शिकार है, इस वास्ते क्योंकि उन्हों यकीन ही नहीं कि मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ते जो किताब उतरी हो सच्ची है कि नहीं। अगर सच्ची है दा, ए अगर दा इत्थे ते गल ही कोई नहीं, ए अगर अगर आख के अपने ईमान यकीन नू एक शक दे अंदर पांदा रहा, इस वास्ते दे आमाल कम ना आए। और दूसरे बंदे दे कोल गए, जाके उसकी बीवी दे कोलों पुछया, उहदे घर जाके उहदी बीवी ने आखिया कि बज़ाहिर ते दे कोई चंगे अमल कोई ना, मुख्तसर जे इस दा अमल आई। और उस दे नाल भी रात नूं जदों सौंदा आई, चारपाई ते बिस्तर ते लेटदे आई, एक जुमला जरूर बोलदा आई कि या अल्लाह तेरे मूसा दा दीन सच्चा है, तू जो भेजे है वह हक है, रब्बुल आलमीन ये तेरा सारा दीन तेरे मूसा कलीम नू, तेरे मूसा कलीम दे नाल आए हुए किताब नू और दीन नू, रब्बुल आलमीन मैं सच्चे दिल दे नाल तस्लीम करना, मैं जुबान नाल इकरार करना कि मूसा सच लैके आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दे यकीन दी दौलत दे नाल मालिक कायनात ने उसनू माफ कर दिता है और उस दे तजबजब और शक दी बिना दे उते उस दे अमाल भी जाया हो गए। तो इसे वास्ते सिद्दीक अकबर ने फरमाया रदी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया कि अगर पुल सरात तो साबित कदमी दे नाल गुजरना चाहना है, उस अंधेरे नू दूर करना चाहना है, तो फरमाया उदे वास्ते चिराग की है, उदे वास्ते चिराग सिर्फ इको ही है, बस सिराजुल हल यकीन, अपना यकीन पुख्ता कर। अमल तेरा थोड़ा भी है, ज्यादा भी है, उस अमल दी वैल्यू तां जे तेरा यकीन पुख्ता होया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन दी बारगाह दे विच दुआ मालिक कायनात समझण दी और अमल करन दी तौफीक अता फरमाए।